अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर है हमारा डेस्टिनेशन जिला टॉप। और वहाँ से पूरी भीड़ उठ करके अब यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना कि कोई राइड नहीं हो रही है, कहीं नई जगह को एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी बारिश हो जाती थी तो कभी कुछ हो जाता था। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है ना कि जब घर से निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कुछ बिहार में बहुत ही स्पेशल करने के लिए हम जा रहे हैं और वो स्पेशल सेटअप भी बहुत स्पेशल है। तो अभी घड़ी में बज चुके हैं 7:45, हमारा निकलने का टाइम था 8 बजे का, लेकिन मुझे लगता है कि लेट हो जाएगा। इस साइड में सारा जो गियर है वो रखा हुआ है और इसके साथ ये मॉर्निंग टी, तो फिर बात बन जाती है यार। इस राइड पे हमारे साथ होगा ये एक्सोर का जो हेलमेट है वो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है और इसका जो ग्राफिक डिजाइन है वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही प्यारा है यार। हेलमेट है ना ये काफी स्पेशल है क्योंकि एक्सोर की तरफ से हमें आया है और ये एक्सोर का वेनमस है और काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड भी है। ये मेरा गुड लक लिटिल चैम्प सुबह सुबह उठ के चाय पी रहे। हम लोग जा रहे चेतक, पूरे तैयारी के मोड में है। HSG की जो लाइट लग गई है ना, इसके बाद से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस लाइट का जो रियल मीनिंग है ना, वो रात में समझ में आता है जब आगे पूरा अजूला हो जाता है। यहाँ पर कुछ स्टिकर वर्क भी हुआ है जो कि सारा वही श्याम ऑटो में ही हुआ। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा का पूरा चेतक। चेतक अब हो गया पूरी तरह से तैयार और हम लोग भी निकलने को तैयार है बिल्कुल। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आप तैयार हो रहे हो तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और आपसे सीधा मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पर। यहाँ पर सुमित भी आ गया है मेरे साथ राइड में। ये सुमित का पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है। हाँ। तो हाउ यू फील? ये तो मेरा आपके साथ राइड का पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है। हाँ। इतने लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल, और प्लस कैंपिंग का भी पहला बार, मतलब भाई तूने खोल दिया यार, राज खोल दिया यार। चलो कोई नहीं, अगर खोल दिया तो खोल दिया, बट हम लोग जा रहे हैं जहाँ वो सस्पेंस है। अभी एडवेंचर मैन पुरुषोत्तम सर भी यहाँ पर है। हाय हाय, आपको याद होगा कि हम लोग बराबर में जब कैंपिंग कर रहे थे तो भाई साथ में थे। अच्छा, ये जो तेरा चीफ सेफ थे हमारे, जो पोहा खिलाने वाले थे। तो चलिए मिलते हैं आप सीधे सड़कों के ऊपर राइडिंग मोड में। तो जब भी आप ग्रुप में राइड करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, जिसमें कि एक चीज़ है कौन लीड कर रहा है और कौन टेल पर है। तो सागर भाई हमें लीड कर रहे हैं और मैं हूँ बहुत ही पीछे, और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं। और यहाँ से जो है ना इस्लामपुर और बाकी पटना का जो वेदर है वो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत हो रहा है। जब भी आपको राइड करने का मन करे तो इस बख्तियारपुर वाले इस हाईवे पर आप आ सकते हैं यार, यहाँ पर राइड करने का आप नहीं मज़ा होता है। अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद राइड पर निकले हैं। जब घर से निकले तो ऐसा लग रहा था बहुत काफ़ी ठंड होगी, लेकिन हाईवे पे आने के बाद जो अभी सनशाइन है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल को बहुत सुकून महसूस करा रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ से सीधा निकल रहे हैं फतवा होते हुए आगे की तरफ। और ये देखो यार, अपने ग्रुप में ये जो हार्ली है ना, ये नेक्स्ट लेवल वाला फील देती है यार। ओ भाई, जब हम लोग बख्तियारपुर जाते हैं तो बगल में जैसे ही फ्लाईओवर ख़त्म होता है वैसी बगल में फ्यूल स्टेशन है, तो मुझे वो वाला कंफ्यूजन था कि मेरे को वहाँ पे तेल लेना, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग फतवा होकर के जा रहे हैं ना। हार्ली का साउंड है यार, ओ वो क्या बात है, वो एक और ये निकली अपनी हार्ली, आहा जबरदस्त, क्या आवाज है यार, मजा आ गया सीरियसली। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दनियावा वाले रोड में और आगे फ्यूल स्टेशन है। काट लेते हैं ना सर पावर। हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज होती है ग्लव्स, जो कि मैं भूल गया था, तो अब जल्दी से इसको पहनते हैं। और रिफ्यूलिंग हो चुका है चेतक का, एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेकर के हम लोग मिलते हैं सीधे इस्लामपुर में। ठीक लग रहा है चाचा, क्या बात, जिला टॉप है। जिला टॉप क्या अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेन जाम का कारण ये था, ये ट्रक।
और यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना, उसके बाद फिर निकलते हैं। हमारे ग्रुप में जो हार्ली है उसको देखने के लिए यूँ भीड़ लगी भाई। ठीक है, एक नंबर है ना ये, इतना भीड़, इतना भीड़ वहाँ पे, भीड़ लग गई भाई गाड़ी देखने के लिए। ऐसा यहाँ से गाड़ी हटानी पड़ जाएगी अब, है ना, यहाँ बहुत भीड़ लग गई है। इसका है तो कवर लेके चलिए, है ना, जहाँ जाइए वहाँ ढक दीजिए। मतलब कि इस तरह की गाड़ी लेके चलना भी एक टेंशन ही है। ये हार्ली देखने के लिए भीड़ है भाई लोगों की, गजब। ऐसा लग रहा है कोई सुपर स्टार आ गया है। और वहाँ से पूरी भीड़ उठ करके अब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिट्टी विट्टी खाते हैं। इस्लामपुर में यहाँ का लिट्टी समोसा हम लोग अक्सर खाया करते हैं। यहाँ पे रसगुल्ला और चंद्रकला ये सब भी बहुत फेमस है यार। ये वाला गाड़ियाँ लगा दीजिएगा आपकी दुकान पे तो ऐसी भीड़ रहेगा। हाँ, सारे लोग इकट्ठा यही देखने के लिए कि भाई इन लोग कौन है, क्या है। और हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं तो इस भीड़ को बाबा कर दे, बाबा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर है हमारा डेस्टिनेशन। और हम लोग यहाँ पर रुक गए इसलिए क्योंकि जो ब्रिज बना है ना, ये फल्गु नदी के ऊपर है। और फल्गु नदी को देखने के लिए बहुत लोग तरसते हैं क्योंकि कुछ ही समय ऐसा होता है जब इसमें पानी होता है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो मैं तो फल्गु नदी में घुस गया था, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो। लेकिन इस बार जो है ना, हम लोग को मुझे पुल मिल गया है और पुल से अब क्रॉस करते हैं, बस अपने डेस्टिनेशन को पहुँचने वाले हैं। तो अभी सब लोग निकल रहे हैं, हमारे भी निकलने का टाइम आ चुका है, हम लोग। हम लोग उस वाले ब्रिज पर रुके थे, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया, थोड़े से इंस्टाग्राम के लिए फोटो वोटो लिए और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बाइक पर साइकिल, क्या बात। मैं ये डिस्क्लोज कर देता हूँ कि फाइनली हम लोग हैं कहाँ पे, तो एक्चुअली हम लोग हैं बराबर में और ये सामने जो है कि बराबर हिल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। भैया बाइक वाला सब किधर गया है, ई वाला रास्ता कहाँ जाएगा, ई वाला भी जाके मिल जाता है ना, स्टॉप है। अच्छा, ये देखो आप सामने वो पहाड़, वो पहाड़, वो पहाड़, ये सारे हिल्स हैं और ये बिल्कुल गांव वाला फील आपको दे रहा होगा। जब आप पटना से दूर आते हैं तो आपको लगता है क्या कि जिंदगी कितनी स्लो हो गई है ना। अभी पुराने पुराने तरह तरह ये ताड़ के पेड़ काटे जा रहे हैं यार। सुमित, अरे यार डर गए थे यार हम, इस मोबाइल है, पर्स है, सब है, उसी में लटका हुआ था। तुम इसको देख रहे थे, इसको देखे थे, एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया था यार, कहो कि बच गया। ये जो मेरा साइड बैग है ये अब पीछे ही लटका रह गया था उसमें और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, इसमें मेरा फ़ोन और मेरा वॉलेट सब इसी में था। तो फाइनली वी रीच आर डेस्टिनेशन, ये सामने आपको जो हिल्स दिखाई दे रही है ना, इसी से आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग ये पहुँच चुके हैं बराबर, यानी कि जहानाबाद। वो फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन और यहाँ पर जो धमाल होने वाला है ना वो आपको अगले वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग हैं कहाँ पे। तो हम लोग एक बार फिर से बराबर पहुँच चुके हैं और बराबर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री के लिहाज से भी और यहाँ पर फ़न के लिहाज से भी, बट इसको प्रमोट नहीं किया गया तो बिहार में है और यहाँ नहीं आए तो फिर क्या देखा आपने। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपका भाई साहब मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।